गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरे डेली व्लॉग्स। और लास्ट दो दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इसलिए व्लॉग्स टाइमली नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े से व्लॉग्स लेट डाल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जो शूटिंग्स हैं ये पहले की हैं। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हम लोग गए थे सैटरडे को बच्चों के साथ में जेनेसिस मॉल, और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती एंड शॉपिंग करने के बाद हम जब वापस घर आए तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, और मुझे उसी दिन लग गया था कि हाँ, तबीयत तो नेक्स्ट डे बिगड़ने वाली है। सो शिवराज ने मेरी काफ़ी हेल्प की सैटरडे नाइट को। सो उसी के कुछ क्लिप्स यहाँ पर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 30 और बाकी के ये सामान कर, काम करने के टोटल हो गए आपके, चलो 90 थे तो 100 मेरे 10 कम करने, अगर आप बोलोगे तो मैं 10 और कम करूंगा। अच्छा, आप हो क्या कम करने वाले? लहसुन छील जल्दी से, 100 रुपए का लहसुन काम करा दो ना इससे। अच्छा हाँ, काम कैसे करेगा ये, ज्यादा फ्री घूमता है, फ्री की चीजें लेता है, पूरा दिन मेरा इतना जो खोपड़ा खाता है, कहीं तो वसूल करूं। ये देख आटा और लगाएगा तू, बहुत काम है आज तेरे लिए। मैं अपना फैन ला रहा हूं। भाई आजा, मैं चला दूंगी, इधर आजा, फैन चला दूंगी तेरे लिए। अच्छा लग गया आटा, एक बार प्लेट हटा के दिखा। ठीक है, ढक दो इसको। क्यों ढका हमने इसको? ताकि ये बाद में सॉफ्ट हो जाए, पानी का मॉइस्चर छूट जाए। हाँ देखो बेटा, ये कौन लेकर आया इतने सारे प्याज तरबूज? ये दादू लाए हैं मुझे लग रहा है। अब तो हम बहुत तरबूज खाएंगे और खा के एकदम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, खा के बहुत मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं होते तरबूज खाने से, हेल्दी होते हैं। हेल्दी होते मोटे भी हो जाते। आज हम आपको पता है हम क्या लेने जा रहे हैं? क्या आपको पता है? साथ में। हाँ, स्पोर्ट्स की आपकी? हाँ, तो हम आ गए हैं स्कूल में स्कूल ड्रेस लेने के लिए। स्वास्तिका जल्दी आ जाओ। कितनी सुंदर एंट्री आपकी। संस्कृति बैठो उस पे जाके बेटा, इतना छोटा। इन बच्चों को स्कूल में आते ही पोटी आई है, चलो जल्दी से बैठो। हाँ, छोटे बच्चों के लिए यही होगा, आप बैठो। सो दोस्तों, मम्मा संस्कृति का केक बना रही है। सबसे बढ़िया फायदा क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लिंकिट खुल गया, 2 मिनट में सामान घर पे। मतलब अभी मैं केक बना रही थी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, क्या कबाड़ा दिख रही थी, सॉरी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी मेरे को इंस्टेंट ज़रूरत थी, मतलब केक बनाते टाइम, इनो हो गया, ये हो गया, वो। तो पटाख से मैंने शॉर्ट लिस्ट किया सारा सामान और ब्लिंकिट कर डाला, और 5 मिनट में घर पे। थैंक यू ब्लिंकिट, यू मेड माय लाइफ इजी। ये मैंने थोड़े केक की डेकोरेशन के लिए जेम्स मंगवाई हैं, और ये हर्शे चॉकलेट स्प्रेड, और क्या मंगाया, इनो। ये तो सेकंड लेयर भी अपनी बन के तैयार है, ये वाला थोड़ा सा फ्लफी भी बना है पहले वाले से,
तो संस्कृति का बर्थडे है कल और उसके लिए मैंने आज केक बनाया है। पूरा दिन लग गया था मुझे, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था केक बनाए तो मैं भूल गई थी प्रोसेस ऑलमोस्ट, और यूट्यूब वीडियोस देख दाग के मैंने बनाया। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट केक बना था वो तो बहुत ही हार्ड और बेकार कड़वा बन गया था। सेकेंड एंड थर्ड टाइम में जाकर और केक अच्छे से बना और फिर मैंने उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की, ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं डेकोरेशन का तो इसलिए मैंने जेम्स यूज़ किए और संस्कृति के कुछ फोटोज़ का मैंने प्रिंट आउट निकलवाया और फटाक से उसमें लगा के रेडी किया और सबसे रिव्यूज़ लेने के लिए मैं आ गई हॉल में सबके पास। देखो भाजी मैंने बनाए। सेम बना दी, ये तो प्रिंट आउट निकाल रखा है। मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे? थैंक यू बोलते। स्वास्तिका दीदी उठो बेटा, हैप्पी बर्थडे बोलो उसको। आज तो जाओ मेरी तरफ मुड़ो। स्वास्तिका आपको स्कूल में इसकी याद नहीं आती है? कितनी? तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। संस्कृति का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिए। और तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच।